हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट के नेशनल साइंस ओलंपियाड के किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है एंड इसके सिलेबस क्या रहेंगे एंड क्वेश्चंस के मार्किंग किस प्रकार के होते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है तीन सेक्शन में बटा रहता है, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस आते हैं जो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं, साइंस जिससे 25 क्वेश्चंस रहते हैं और 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चन रहते हैं। थर्ड हो जाते हैं अचीवर सेक्शन जिसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो जाते हैं। सिलेबस इसका हम देख लेते हैं। सेक्शन 1 में जो है लॉजिकल रीजनिंग से एस्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ग्रुपिंग, मेजरिंग यूनिट, एनालॉजी, जियोमेट्रिकल शेप्स, पैटर्न, ऑड वन आउट एंड रैंकिंग टेस्ट, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग से होते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कोई भी ओलंपियाड एग्जाम हो, चाहे सॉफ्ट SOF ओलंपियाड है या अदर भी ओलंपियाड में जो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होते हैं, वहाँ पर हर सब्जेक्ट में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन एक रहता ही है, उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 2 में आपका सिलेबस हो जाता है साइंस का, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर नीड्स, गुड हैबिट्स एंड सेफ्टी रोल, एयर एंड वाटर, वेदर एंड द स्काई, जो कि ऑलमोस्ट क्लास फर्स्ट के सिलेबस रहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 3 में हो जाता है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, सिलेबस एज पर सेक्शन टू के अकॉर्डिंग इसके सिलेबस रहते हैं, लेकिन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कि बच्चों को लॉजिक लगाना रहता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच विल रिप्लेस क्वेश्चंस इन द गिवन नंबर पैटर्न। ये नंबर्स जो है किस प्रकार के नंबर पैटर्न्स पे चल रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या ऑप्शन आएगा, 6, 5, 3, 2। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पर नंबर 4 आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, सीरियल वाइज ये चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2, विच आइटम इज द हैवीएस्ट, ए स्टेपलर, बी ईट, सी पेन एंड डी मोबाइल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ईट जो है सबसे हैवियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट ऑड वन आउट, ए बी सी एंड डी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सर्कल इज द ऑड वन आउट। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारा ये साइंस चैप्टर से क्वेश्चंस आ जाता है, साइंस चैप्टर से क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑलवेज क्रॉस द रोड डैश क्रॉसिंग। इस पिक्चर को हमें देखना है और बताना है कि रोड क्रॉस जो है कहाँ से करते हैं, हॉर्स, जेब्रा, फुटपाथ, ट्रैफिक। तो ये हमारी जो लाइनिंग है, ये हमारा जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है जहाँ से हम जो है रोड क्रॉस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लिविंग थिंग्स बिकॉज इट्स ग्रो, इट कैन मेक मोर मनी प्लांट्स, इट बर्थ एंड ऑल ऑफ दिस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, all of these। next question number हम देख लेते हैं, next question number हो जाता है 6, जो कि science से रहते हैं आपके, dash are seeds of, ये seeds किसका है, wheat, rice, राजमा या corn। तो ये seeds हो जाते हैं आपके corn के seeds हैं, तो corn के seeds हो जाते हैं option। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
I am a green and a small plant. I am a green and a small plant. I can make you cry. I am a. ये क्या है? इसको हमें बताना है. तो A T B chili, C lady finger and D spinach. So correct answer is option B, chili. So chili is the correct answer. Question number 8. Unscramble the word given below to get the name of the home of the animal show in the figure. इस फिगर में जो एनिमल दिख रहा है वो कौन सा एनिमल है जिसका ये हाउस है, इसको हमको सही करके लिखना है. एस्टेबला, टेफ्सला, एस्टेबल, बेल्स्टा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एस्टेबल. एस्टेबल इज द हॉर्स. दिस इज हॉर्स एंड हॉर्स के घर को हम एस्टेबल बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए लिव्स इन वाटर, बी कैन नॉट फ्लाई, सी हैज 8 लेग्स एंड डी इज द लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दिस इज कैन नॉट फ्लाई. करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. विच इज द फॉलोइंग इज द नॉट अ रिलीजियस फेस्टिवल? ईद, बी गांधी जयंती, सी दिवाली एंड डी क्रिसमस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गांधी जयंती इज नॉट अ रिलीजियस फेस्टिवल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द पिक्चर्स शो एट द आवर हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम द हीट ऑफ सन, रेन, कोल्ड, स्ट्रॉन्ग विंड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेन. सो करेक्ट आंसर इज रेन. रेन द पिक्चर शो दैट आवर हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम रेन. क्वेश्चन नंबर 12. विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये हमें देखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग? ए बी कैन नॉट फील एयर बट वी कैन सी इट. मूव एयर इज कॉल्ड विंड. एयर टेक अप स्पेसेस एंड डी ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वी कैन नॉट फील एयर बट वी कैन सी इट. इट इज नॉट, इट इज इन करेक्ट. एयर को हम फील कर सकते हैं और इसे हम देख नहीं सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाता है 13. सेलेक्ट द ऑप्शन. द अरेंज दिज नेचुरल वाटर बॉडीज डिसेंडिंग ऑर्डर इन द सी. सो ऑप्शन ए बी सी एंड डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1, 3, 2, 4. ओशियन, लेक, पॉन्ड एंड पेडल्स. अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है अचीवर सेक्शन. अचीवर सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं. डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं. तो चलिए इसको देखते हैं. नेक्स्ट हमारा हो जाता है अचीवर सेक्शन. विच अमंग द फॉलोइंग्स आर क्रीपर्स. इसमें से कौन सा क्रीपर्स है? तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी, 4 एंड 5 सी, 1, 4 एंड 5 एंड ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 एंड 5 आर क्रीपर्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द 4 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. रिचर्ड डिड एक्चुअली एन एक्टिविटी एज शोन हियर. सी ऑब्जर्व बबल्स,
sea observer bubbles coming out of the glass. What does this activity show? A. The empty glass is filled with air. B. Water displaces air in the glasses. C. Air come out of the water in the form of bubbles. And D. All of these. Correct answer is option D. All of these. सो आई होप आपको इससे काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि क्लास फर्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं. तो ऑलमोस्ट आप अपने बच्चों को इसकी तैयारी करवा सकते हैं. और हमारे चैनल पे आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू एंड क्वेश्चंस जो है आपको हमेशा मिलते रहेंगे. तो आज के लिए इतना ही.